नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। बता दें कि हल्द्वानी में आज पहुंचे कांग्रेस से दिक्कत, जहां उन्होंने भाजपा पर सादा निशाना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बता दी कि उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जाति विशेष के समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इस शब्द का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। यह सरकार का दैत्य है और कुछ लोगों का कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिए से काम करेंगे, क्योंकि आजकल चुनाव आते ही जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतिक्रमण मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। जिस तरह इस समय माहौल हो रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। जिस तरह से पुरोला में घटना हुई है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पर प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। वहीं चुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोग कल मुद्दों को उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक, हाकम सिंह, महंगाई, भ्रष्टाचार, भू माफिया, इन सब मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव को लेकर जाएंगे। लेकिन भाजपा से हिंदू और मुसलमान करते आ रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के पुरोला की घटना को लोकतंत्र पर संकट बताते हुए कहा कि किसी एक की गलती की सजा उसकी जाति के सभी लोगों को देना सरासर अन्याय है और गलत है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि पुरोला में एक जाति समुदाय पर जो दल डराने और धमकाने का कार्य कर रहा है, उन पर कड़ी कार्यवाही हो। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं, यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है, जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे, लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है। गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गाँव से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, अशिक्षा कुपोषण के खिलाफ करो, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे उनके खिलाफ करो, विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बेहाल हो गई हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए करो। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनना है राज्य के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ से हम जब देश का कानून है, यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। हम पूर्ण प्रश्न उठाया है, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित ठाकुर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में हैं, हम पहले इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है और कुछ कर्तव्य प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत